क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हुआ है लॉग बेस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग बेस साइन एक्स कॉस एक्स का इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइंड करना है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग बेस कॉस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे लॉग बेस साइन एक्स कॉस एक्स का इनवर्स, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग, ये दोनों पोजीशन स्वैप कर दीजिए तो बेस में आ जाएगा कॉस एक्स और ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लॉग बेस ए बी, इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग, ये दोनों पोजीशन स्वैप हो जाएगा तो बेस में बी आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे ये लिख सकते हैं। नाउ देन प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना क्लियर। नाउ y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस ए बी, इसे हम लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो इसका यूज कीजिए, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पे भी ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स और इंटू में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, इतना क्लियर। और प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है y, फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से y का डिफ्रेंशिएशन ये मिल गया dy अपॉन dx, यहाँ पे अगर हम इसको मान ले x स्क्वायर तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो इतने का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 log sin x अपॉन log cos x, बट यहाँ पे x नहीं है अदर देन x है, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट भी आएगा, और यहाँ पे डिवीजन रूल लगाइए तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर पार्ट बाहर log cos x बाहर, न्यूमरेटर पार्ट log sin x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो cos x अपॉन sin x cot x बन गया, तो इतने का डिफरेंशिएशन cot x आ गया, देन माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर तो लॉग साइन एक्स बाहर, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस टेन एक्स, और ये माइनस, तो ये मिल जाएगा प्लस टेन एक्स, इतना क्लियर। एंड अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर तो लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, देन प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतने का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x के प्लेस पे ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बट यहाँ अगेन x नहीं है अदर देन x है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो इंटू डिनोमिनेटर पार्ट बाहर और न्यूमरेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड माइनस न्यूमरेटर पार्ट बाहर, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर, इतना क्लियर। यहाँ पे इतने को अगर हम अलग से सॉल्व कर ले तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2 एक्स का स्क्वायर तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इतना क्लियर। नाउ ये पार्ट ऊपर चला जाएगा और रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये रूट और ये स्क्वायर ये अलग हो जाएगा, तो ये इतना बचा, ये क्लियर। और यहाँ पे 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इतना क्लियर? वन प्लस एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल। तो इस पूरे के प्लेस पे हम लिख सकते हैं टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो यहां से ये पूरा मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टू लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स, और यहां पे ये है लॉग कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, और पूरे के प्लेस पे आ गया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर? अब हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन फोर। तो जहां जहां एक्स है वहां पे पाई अपॉन फोर रख दीजिए। तो डीवाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन फोर ये मिल जाएगा टू लॉग साइन पाई अपॉन फोर। साइन पाई अपॉन फोर ये होता है वन अपॉन रूट टू, यहां से मिल गया लॉग वन अपॉन रूट टू। कॉस पाई अपॉन फोर वन अपॉन रूट टू, तो लॉग वन अपॉन रूट टू, यहां से मिल गया लॉग वन अपॉन रूट टू। और कॉट पाई अपॉन फोर वन, तो इंटू वन कोई चेंज नहीं होगा। टेन पाई अपॉन फोर वन, और यहां से मिल गया लॉग साइन पाई अपॉन फोर मीन्स लॉग वन अपॉन रूट टू, और यहां से लॉग वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर, और यहां आ गया टू अपॉन वन प्लस पाई अपॉन फोर का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। और यहां जब हम एलसीएम लेंगे नीचे 16, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 16 इंटू टू 32, और यहां आ गया 16 प्लस पाई स्क्वायर, तो 16 प्लस पाई स्क्वायर ये बन गया। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 32 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर। इतना क्लियर? और यहां से लॉग वन अपॉन रूट टू लॉग वन अपॉन रूट टू ये कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन फोर ये मिल गया यहां से टू, और यहां से लॉग वन अपॉन रूट टू प्लस लॉग वन अपॉन रूट टू टू लॉग वन अपॉन रूट टू, और यहां आ गया लॉग वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर है प्लस 32 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर। तो लॉग वन अपॉन रूट टू से ये स्क्वायर कैंसिल। इतना क्लियर? नाउ अब ये फर्दर यहां से मिल गया 2 इंटू टू 4 अपॉन लॉग 1 अपॉन रूट टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट टू को 1 अपॉन टू की पावर 1 अपॉन टू, और हम जानते हैं लॉग ए टू द पावर एम, इसे हम लिख सकते हैं एम लॉग ए। तो ये हाफ यहां आ जाएगा और प्लस 32 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला गया, तो 8 अपॉन लॉग 1 अपॉन टू प्लस 32 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर। इतना क्लियर? और अब हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, लॉग ए है अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे लॉग 1 अपॉन टू को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग, इसका रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 32 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर है। अब इन दोनों टर्म से 8 बाहर निकाला जा सकता है, यहां से मिल गया 4 अपॉन 16 प्लस पाई स्क्वायर, और यहां से मिल गया ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन लॉग 2 ये आंसर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, यही निकालना था। क्लियर?